फाइनली यहाँ पे जो व्यू का पैनल है इसके अंदर सिंपल जो आसान से ऑप्शन है वो समझ लें कि जैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को ग्रे स्केल में देखना चाहते हैं तो ये कुछ ग्रे हाईलाइटेड कलर्स में आपको दिखाई देगा। बैक टू कलर करेंगे तो दोबारा नॉर्मल कलर में आ जाएगा। ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो जितने भी कलर्स होंगे वो गायब हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रे के अंदर, यानी कि पिक्चर्स कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रे के अंदर। शेप्स जो होंगे वो एम्प्टी हो जाएंगे और उनकी आउटलाइंस रह जाएंगी, तो फिर वो कुछ आपको इस तरह नजर आएंगे। और बैक टू कलर करेंगे तो दोबारा से वो अपने कलर्स में नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद कलर्स ऑलरेडी है। फिट टू विंडो और जूम अपना स्केल लेवल वगैरह सेट करना है तो अपने हिसाब से सेट कर लें। विंडो पे फिट करना है अपने हिसाब से देख लें कैसे फिट करना है, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। डायरेक्शन को आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जैसे चाहे सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है रूलर का, एक्टिवेट कर सकते हैं, ग्रिड लाइन्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, गाइड्स ले सकते हैं, गाइड्स को मूव भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को मेजर करने के लिए, या कोई चीज़ आप उसमें लिखना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं तो गाइड्स के मायने होते हैं आपकी कोई आपको उसमें हेल्प करे, रहनुमाई करे आपकी इस तरह से। गाइड्स को ऑफ कर दें, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। नॉर्मल व्यू आपके सामने आ रहा है, इसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। आउटलाइन व्यू में ये होगा कि जो भी टेक्स्ट होगा स्लाइड के अंदर का कंटेंट वो आपको यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, और फिर आप देखेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो तमाम स्लाइड्स एक के बाद नज़र आएगी। इसमें आप इसकी तरतीब को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर भी नज़र आएगा, एनिमेशन भी नज़र आएंगी और रिकॉर्डिंग का टाइम भी नज़र आएगा। नोट्स पेजेस देखेंगे तो फिर आपका स्लाइड जो है ऊपर की तरफ नज़र आएगा और नीचे उसका नोट आपने जो ऐड किया होगा वो यहाँ नज़र आएगा। रीडिंग व्यू देखेंगे तो फिर आप इस तरह से रीडिंग व्यू में देख सकेंगे, जिसमें अगर आपके पास टच आपके पास कोई लैपटॉप या टैबलेट है तो ऐसे हाथ से इसको मैक्स करके ऐसे आगे पीछे इस तरह से कर सकेंगे और इसके बाद से बाहर आ जाएंगे तो स्केप का बटन दबाएं या एंड शो करें, इससे बाहर आ जाएंगे। रीडिंग व्यू से जो नोट्स पेजेस हैं, नोट्स पेजेस का जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे हो सकता है। जैसे नॉर्मल स्लाइड है, इसके ऊपर तो हम ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिख सकते तो नीचे ही नोट्स का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ये नोट्स का ऑप्शन आप एक्टिवेट कर सकते हैं व्यू में जाके, यहाँ से अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके एक्टिवेट कर लें। फिर जो भी डिस्क्रिप्टिव नोट्स के बारे में आपने लिखना है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और फिर अगर आप इसको नोट्स पेजेस में देखना चाहते हैं तो फिर आप व्यू में आके इसको यहाँ से देखेंगे नोट्स पेजेस, तो आपका जो स्लाइड है वो ऊपर A4 पेपर पे ऐसे नज़र आएगा और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव नोट आपको नीचे नज़र आएगा। यानी कि अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो सिर्फ स्लाइड नज़र आ रहा है, और अगर आप नोट्स व्यू कर रहे हैं तो स्लाइड ऊपर नज़र आ रहा है और नोट्स A4 पेपर पे नीचे नज़र आ रहे हैं। ये इसका दूसरा वे है प्रेजेंटेशन का, मतलब आपको स्लाइड शो करनी है तो इस तरह से, और अगर उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी शो करनी है तो नोट्स पेजेस पे जाके करना है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन थे। ये वाला फीचर हम फिर करेंगे, सीखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा एडवांस फीचर है ये। और उसके बाद जो यहाँ पर जितनी प्रेजेंटेशन ऑन होंगी वो हमें यहाँ नज़र आ रही होंगी। अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन आपकी ऑन है, मिसाल के तौर पे ये 2 प्रेजेंटेशन ऑन है और दोनों को एक साथ अरेंज करके देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से व्यू में जाके आप एक साथ क्लिक करेंगे और यहाँ से अरेंज ऑल कर देंगे तो दोनों प्रेजेंटेशन इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। 3 होंगी तो 3 हो जाएंगी, फिर से वापस क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। कैस्केड पे क्लिक करेंगे तो आगे पीछे सेट हो जाएंगे, फिर से इसको मैक्सिमाइज कर लें। मूव स्प्लिट करेंगे तो फिर अपनी मर्जी से इसको जहाँ मूव करेंगे वहाँ पे जाके ये एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कि ऐसे पे मूव करके कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितनी प्रेजेंटेशन होगी यहीं से क्लिक करके दूसरी पे चले जाएँ, वापस क्लिक करके यहाँ से पहली पे आ जाएँ, पहले से क्लिक करके दूसरी पे चले जाएँ, डायरेक्टली यहाँ से भी स्विच किया जा सकता है। ठीक है।